जनपद में शहरी क्षेत्रों में 44 और ग्रामीण क्षेत्रों में 57 टीमों सहित 101 आरआर टीमें लगातार काम कर रही हैं, जो लगातार होम आइसोलेशन के मरीजों के घर घर जाकर कोविड मरीज को सलाह दे रही है और उन्हें दवा का किट भी उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त आशाएं अपने क्षेत्र में अभियान चलाकर कोविड के लक्षण वाले मरीजों को दवा उपलब्ध करा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में निगरानी समिति एवं आशाओं के द्वारा अभियान चलाकर गांव का भ्रमण किया जा रहा है और संक्रमितों को मेडिकल किट का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा जिला प्रशासन के द्वारा निगरानी समिति के माध्यम से कोविड मरीजों को मेडिकल किट उपलब्ध कराया जा रहा है। आरआरटी और निगरानी समिति के सदस्यों के द्वारा 15 मई को जनपद में 4423 मेडिकल किट लक्षण युक्त एवं कोरोना पीड़ित मरीजों को वितरित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, सर होम आइसोलेशन में कुछ लोग हैं और आरआरटी बनी है जिला प्रशासन के तरफ से, जो घरों पे जा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था इनके द्वारा की गई है? जो भी आरआरटी घर पे जा रही है होम आइसोलेटेड पेशेंट्स को देखने के लिए, वो उनके जो बेसिक पैरामीटर है उसको चेक करती है और उसके अलावा मेडिकल जो किट है हमारी मेडिसिन की वो देती है। और अगर कहीं ये लगता है कि ये जो पेशेंट है इसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो वो उसको हॉस्पिटलाइजेशन भी करवाती है और अगले 14 दिन के लिए पॉजिटिव डेट ऑफ पॉजिटिव या सिम्टम्स से वो उसको मॉनिटर करती है, अपना फ़ोन नंबर शेयर करती है और जो MOICs हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी उनको जोड़ा जाता है और किसी तरह की मदद दी जाती है। इसके अलावा उनके घर के जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनकी टेस्टिंग कराना और उनको सबको मेडिसिन देना, ये भी उनका काम है। और आरआरटी का डेली रिव्यू होता है। आरआरटी के अलावा निगरानी समितियाँ गाँव में भी और शहर में भी, वो भी लगातार उनके टच में रह रही हैं और इनकी मॉनिटरिंग हम डेली बेसिस पे, जो हमने स्टार्ट की है 2 दिन पहले से, आज भी अभी जो मैं आया हूँ उसी को मॉनिटर करने आया हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में भी शहरी क्षेत्र में भी, ताकि हम लोग कोई भी क्षेत्र जगह ऐसी ना छूट जाए जहाँ पे संक्रमण हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ फैली है जिसको रोका जा सकता है। हम रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर संभव मदद करने की, बचाने की कोशिश की है। जो निगरानी समिति बनी है गाँव में, उनको उसमें कौन कौन शामिल है और किस तरह इनसे संपर्क होगा? निगरानी हर गाँव में जो निगरानी समिति ये जो उनके मुख्यतः मेंबर हैं उसमें तो पहले तो प्रधान है, सचिव हैं, लेखपाल हैं और उसके अलावा ANM आशा है, आंगनवाड़ी वर्कर है और गांव के ही जो ग्राम रोजगार सेवक हैं, इनके अलावा जो गांव के जो एक्टिव लोग हैं तो 2-3 लोगों को उनका भी उसका मेंबर बनाया गया है। और ये निगरानी समितियां अब हर GP लेवल पे काम कर रही है। हमने जो है मेडिसिन भी इनके किटें जो है इनको दे दी है, जहाँ भी कोई सिम्टम आते हैं टेस्टिंग कराने की ज़रूरत है, सिम्टम आएंगे तुरंत दवाई देंगे, हमने सीधा निर्देशित किया है। और अगर कहीं टेस्टिंग करानी है तो उसके लिए सीधा हमारे साथ संपर्क करके कंसर्न PHC CHC संपर्क करके वो टेस्टिंग की व्यवस्था उस गांव में कराई जा रही है। और जैसे आज भी मैं अगर बताऊं बांसगांव, बड़लगंज और पाली, पपरौली, अलग अलग ब्लॉक्स में इन निगरानी समितियों द्वारा जहां भी टेस्टिंग के लिए कहा गया टेस्टिंग टीमें भेजी गई। और कुछ गांव के मैं एग्जांपल भी दे सकता हूं, जैसे निवास में सुबह ही हमारी टीम चली गई थी 9:30, BDO भी गए थे उसमें खुद और CHC के प्रभारी भी थे और उनकी टीम गई थी वहाँ, कम से कम 150 टेस्ट उन्होंने 2 घंटे में ही किए हैं और घर घर जाके पूरी निगरानी समिति से सर्वे भी किया है निवास में आज। और उसमें से जिन लोगों की वहाँ पे कुछ संज्ञान में आया कि डेथ भी हुई है, उन सबके टेस्टिंग और उनको मेडिकल किट बांटे गए। सर क्या स्थिति अभी नज़र आ रही है ग्रामीण क्षेत्र में? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में जो है हमारा जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए, सफाई कराने के लिए और जो जो हमारे शासन की तरफ से निर्देश है उसका अनुपालन करवाया जा रहा है और आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो संक्रमण है इसको कम किया जा सके और जल्दी से जल्दी रोका जा सके, इसके लिए निगरानी समितियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम उसी पर वर्क कर रहे हैं और इसको आने वाले दिनों में हम एक्टिव करके हर संभव सहायता वहाँ पहुँचाएंगे।